अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। जिस तरह से आपको पता है कि सिग्नेचर होटल की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बड़ी तेजी के साथ जारी है और ये J7 ग्रुप का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये हमारा एक जो मिशन है उस मिशन के तहत जो है ये सारा हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और इस तरह से और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको अलीम मलिक साहब से मिलवाते हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सिग्नेचर होटल के और बड़ी मेहनत के साथ जो है इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज हम आपको जो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं वो बिजनेस सेंटर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेशल फीचर है जो अब हमने रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस कराया और आज हम उसकी मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं उसको जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया टाइम देने का सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिग्नेचर होटल का जो बिजनेस सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश है? बहुत शुक्रिया फैजल साहब। आपके तवसुब से हम आज हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि किसी भी होटल में बिजनेस सेंटर की क्या ज़रूरत होती है और फिर फ़ायदे क्या हैं, क्यों ये ज़रूरी है। हमने आपको पता है कि हमारे ग्रुप में R&D पे एक बिलीव रखा जाता है। हमने अपनी R&D की है, हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि एक बिजनेस कम्युनिटी को कोई फैसिलिटी एज सच नहीं दी गई अभी तक। एक 5-स्टार फैसिलिटी कोई नहीं दी गई, शेयर्ड बेसिस पे ऑफिस नहीं थे। कोई भी हमारा बिजनेसमैन जब डिफरेंट सिटीज़ से इस्लामाबाद में आता था, डिफरेंट कंट्रीज से आता था, तो वहाँ उसको या तो होटल लॉबीज़ में मीटिंग करनी पड़ती थी या फिर लोगों के ऑफिस में जाके मीटिंग करनी पड़ती थी। तो हम लोग एक शेयर बेस्ड ऑफिसर कंसेप्ट लेके आए हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर बिजनेस सेंटर। इसमें हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के ऑफिस बना रहे हैं जो कि डिफरेंट टाइम स्लैब्स के लिए अवेलेबल होंगे, फॉर यूज लाइक फॉर 1 आवर, फॉर 1 डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, जितने टाइम के लिए आप चाहें इसको यूज़ करें। डिफरेंट फैसिलिटीज़ इसमें दी जाएंगी, वो मैं आपको आगे एलिब्रेट करूँगा। वो आप अवेल करें और अपनी मीटिंग्स यहाँ कंडक्ट करें। और आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपना डेडिकेटेड ऑफिस यहाँ पे इस्लामाबाद में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आप अपना ऑफिस रखते हैं तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, आपको स्टाफ, आपको उसका फर्नीचर, आपको उसके ओवरहेड, बिजली का बिल, अलावा बेशुमार चीज़ें हैं। और आपको उसको मेंटेन रखने के लिए जो ओवरहेड पड़ता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है। उस नीड को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कंसेप्ट दिया जी सिग्नेचर बिजनेस सेंटर का। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये जो बिजनेस सेंटर जो है ये इस होटल की ये 26 स्टोरीज होटल है, तो ये किस स्टोरी के ऊपर वाकई है और इसका ओवरऑल साइज कितना है? जी ये जी 3rd और 4th स्टोरी पे होगा बिजनेस सेंटर। ये हमारे तकरीबन इसका जो साइज है अराउंड 50,000 to 60,000 स्क्वायर फीट इसका साइज होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का बिगेस्ट बिजनेस सेंटर होगा। इसमें तकरीबन 30 कॉर्पोरेट मीटिंग रूम्स हैं और अराउंड 10 इसके कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं और कुछ 2 बड़े इवेंट हॉल्स हैं जिनकी कैपेसिटी है अराउंड कोई 600 to 800 पार्टिसिपेंट्स इसमें एट ए टाइम कोई भी इवेंट कर सकते हैं। जो हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस ऑफिस है, छोटा ऑफिस है, जो वो 180 स्क्वायर फीट का है, उसमें कोई भी रेगुलर मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। देन हमारा एक VIP हमारा रूम है, ऑफिस मीटिंग रूम है, वो 300 स्क्वायर फीट का है जिसमें CEOs की या प्रेजिडेंट्स की मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। देन हमारा 400 स्क्वायर फीट का कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं जिनमें कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। तो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि आपको पता है कि सिग्नेचर होटल्स ऑलरेडी टूरिज्म पे बहुत बड़ा वर्क कर रहा है और टूरिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहा है। टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी सिग्नेचर होटल में। और सेकंड बड़ी जो अट्रैक्शन जो सिग्नेचर होटल कर रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पर कर रहा है। कॉर्पोरेट जितनी एंटिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में उन साथ हम लिंक में हैं और उनको हम एक नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि होटल्स जितने भी हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, वो या कॉर्पोरेट के साथ चलते हैं तो या फिर टूरिस्ट के साथ चलते हैं, तो हम दोनों एंड पे इक्वल वर्क कर रहे हैं। सर ये कहीं चूँकि इसके अंदर इतनी सारी वैरायटी है, डिफरेंट किस्म के जो क्लाइंट्स होंगे वो इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो इसमें आपके जहन में क्या इमेज है इसका जो एमेनिटीज और सर्विसेज देंगे? जी इस बिजनेस सेंटर को सक्सेस होने के लिए, कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि इस पे एक नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएं। कुछ मैं आपको अभी काउंट करा देता हूँ जो कि इसमें हम दे रहे हैं। एक तो हम इसमें एक बहुत हाई एंड स्टाफ दे रहे हैं जो कि आपका सपोर्ट स्टाफ होगा, जिसमें हमारे ऑफिस बॉयज़ हैं, हमारे क्लर्क्स हैं, आपको ऑफिस असिस्टेंट चाहिए, आपकी मीटिंग में असिस्टेंस के लिए कोई स्टाफ चाहिए वो होगा। यहाँ पे वेटर्स होंगे, बहुत हाई एंड की हम रिसेप्शन बना रहे हैं,
वेटिंग एरिया है, अगर आप सिमल्टेनियसली 2 to 3 आपके मीटिंग में लोग आ जाते हैं और आपकी पहली मीटिंग प्रोलॉन्ग हो गई है, वेटिंग एरिया में लोग वेट कर सकते हैं। इसके साथ हम बहुत हाई एंड कैफ़े दे रहे हैं, उस कैफ़े में आप अपनी सिलेक्शन का कोई भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ऑर्डर कर सकते हैं। अमूमन कॉफ़ीज बहुत पसंद की जाती हैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो एक अच्छे ब्रांड की यहाँ पे कॉफ़ी अवेलेबल होगी आपको। अच्छा, आपको फिर स्टेशनरी सर्विसेज हैं, प्रिंटिंग, ईमेल, आपकी कोरियर अगर कोई आती है आपको, आपकी हाई एंड के इंटरनेट यहाँ पे होगा, हाई एंड का वाईफाई होगा। आपको कोई भी ऑनलाइन मीटिंग करनी है किसी प्लेटफॉर्म पे, गूगल मीट पे करनी है या आप जूम पे करनी है, आपको हाई एंड के कैमराज होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपकी आपके जो भी आपका मीटिंग पर्सन है उसको इस्लामाबाद से पिक करना है, ड्रॉप करना है, और आपको अगर एयरपोर्ट से पिक करना है और देन आपको बैक ड्रॉप करना है, कुछ भी ऐसी चीज़, ये मैंने कुछ काउंट कराई हैं, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि आपकी मीटिंग को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है उस वो इसमें इंशाल्लाह इस बिज़नेस सेंटर में होगी। फिर इसके साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस चल रही होंगी रेगुलर बेस पे बिजनेस टू बिजनेस लिंक्स के लिए, लाइक अगर आपका फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस है तो एट ए टाइम हम ऑल पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल लोग जितने भी इंडस्ट्री में उनको बुला लेंगे, हम मीटअप्स कराएंगे डिफरेंट बिजनेसेस के, रियल स्टेट के मीटअप्स कराएंगे यहाँ पे। हम जितनी बिजनेस इंडस्ट्री है जितना है उनको हम एक जगह पे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि यहाँ पे आएँ, अपनी मीटिंग्स भी कंडक्ट करें और अपने बिजनेस रिलेशंस को भी प्रमोट करें। देन यहाँ पे बड़े लेवल की एक्सपोज हम जो कि हमारे बड़े 2 बॉल रूम्स हैं, बड़े हॉल्स हैं, उनमें बड़ी एक्सपोज हम कराएंगे और मकसद ये होगा कि ये एक ऐसा बिजनेस सेंटर बन जाए जो वाकई बिजनेस इंडस्ट्री को बूस्ट करे और उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें दे। थैंक यू। सर, ये जो सारी आपने इतनी सारी लिस्ट जी, वो लॉन्ग लिस्ट ऑफ दी एमिनिटीज एंड सर्विसेज, ये काफी अट्रैक्टिव है उनके लिए जो उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या अट्रैक्शन है जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल जो बायर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जी जी। तो बिजनेस सेंटर का पीछे जो कंसेप्ट मैंने पहले बता दिया कि ये शेयर बेसिस पे होगा, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ आप ले सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब शेयरिंग पे की जाती है तो ऑफकोर्स उसका हाई रेंट जनरेट होता है, जैसे होटल रूम में हाई रेंट जनरेट होता है। तो एक तो इन्वेस्टर को ये फ़ायदा है कि इसकी बेस्ट रेंटल यील्ड है, मिनिमम भी जो उसका रेंट है वो 3-4% इसका होगा, मींस कि अगर आप 1 करोड़ अभी इन्वेस्ट करते हैं तो 3-4 लाख आपको मंथ का रेंट यहाँ से जनरेट होगा, जो कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस या ऑल ओवरहेड्स होगा, जो आपको होम टेक होगा वो 3-4% आपको मिलेगा। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब ये प्रॉपर्टी 3-4 लाख रेंट जनरेट कर रही होगी तो आप इसको सेल करेंगे, आज अगर 1 करोड़ का आप ऑफिस लेते हैं तो मिनिमम भी ये 7-8 करोड़ इसकी वर्थ होगी, क्योंकि रेंटल इसका अच्छा हो रहा होगा। फिर हम जिस अभी लेवल पे हैं, अभी आप बिल्कुल अभी इसको इनिशिएट कर रहे हैं, अभी हम इसको प्री लॉन्च रेट पे दे रहे हैं, इवन प्री लॉन्च से पहले हम इन्वेस्टर रेट पे दे रहे हैं। हमारे इस टाइम जी 60,000 फैसल साहब रेट है इस टाइम हमारा इसका प्री लॉन्च रेट, और हम ईद ऑफर के तौर पे और एज ए इंट्रोडक्टरी प्राइस हम इसको 50,000 में भी बुक कर रहे हैं बिफोर ईद। तो इसकी जो हम प्राइस एक उम्मीद कर रहे हैं जो इसकी बढ़ेगी वो अराउंड कोई 1,20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक इसकी जाएगी, तो बहुत अच्छा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। देन हम एक और प्रिविलेज इसमें दे रहे हैं कि अगर आप इसमें ऑफिस ओन करते हैं तो 4 डेज इन अ मंथ आप अपनी मीटिंग यहाँ फ्री में कंडक्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए भी बेशुमार इसमें फ़ायदे हैं, एंड यूज़र के लिए भी हैं जो ऑफिस यहाँ यूज़ कर रहा है, रेंटल फॉर्म में भी हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जो कॉर्पोरेट बिजनेस सेंटर जो है इसके बारे में जान के आपको जो है काफ़ी उम्मीद लगी होगी मालूमात, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हमें हमारे साथ पहले से बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, और या जो आप करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर रब्ता कर सकते हैं, इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने के लिए। इंशाल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।